हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ पे। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए आए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और स्टॉक की। इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को मालामाल किया है। लास्ट 5 ईयर्स में देखो, इस स्टॉक में 531% के रिटर्न बनते दिखाई दिए हैं और ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक है। 19.12 रुपीज इसकी करंट मार्केट प्राइस है। लेकिन यदि इसके चार्ट का लॉन्ग टर्म का एनालिसिस करें तो आजकल ये जो स्टॉक है अपनी लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन है उसी के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, स्लोली स्टेडली रिकवरी कर रहा है। बीच में देख सकते हो इसमें बड़ी एक रैली आ गई थी, लेकिन दोस्तों ये जो रैली आती है, हाई वॉलेटिलिटी आती है, ये पेनी स्टॉक्स में होती है जिनमें ऑपरेटर्स क्या करते हैं, कई बार किसी स्टॉक की प्राइस को बहुत ही तेजी से ऊपर लेके जाते हैं और जब लोग उसमें बाई करने लग पड़ते हैं तो फिर उस स्टॉक की प्राइस नीचे आ जाती है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको इन तरह के स्टॉक्स में बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत होती है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना होता है, लंपसम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है। तो हम इस स्टॉक का आपको नाम भी बता देते हैं। आज हम बात करेंगे मैक्सिमस इंटरनेशनल लिमिटेड की। मैक्सिमम देखें तो इसमें 1400% के ज्यादा रिटर्न्स बने हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म वाले निवेशक अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। 5 डेज में देखो अभी भी इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी है, रेंज बाउंड काम होता दिखाई दे रहा है। 1 मंथ में इसके चार्ट में अब ब्रेकआउट जरूर हो गया है, तो अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में बनता दिखाई दे रहा है। 6 मंथ में भी अब ये जो स्टॉक है स्लोली स्टेडली रिकवरी शो करता दिखाई दे रहा है। तो आइए सबसे पहले इसके जो फाइनेंशियल्स हैं उनको समझ लेते हैं। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो जीरो ऑन जीरो बेसिस पे कंपनी के नंबर्स नेगेटिव ही हैं। रेवेन्यू देख लो, नेट इनकम देख लो, मार्जिन देख लो, कंपनी के नंबर्स रिड्यूस ही होते दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी हम लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल ग्रोथ भी चेक करेंगे, इसकी कोई लेटेस्ट अपडेट आ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जो अच्छी कंपनीज हैं लॉन्ग टर्म में अपने निवेशकों को मालामाल करती रहती हैं। कई बार स्टॉक स्प्लिट मिल जाता है, कई बार डिविडेंड मिल जाता है, कई बार बोनस भी मिल जाता है। और इस स्टॉक में यदि हम डिफरेंट टाइप का कॉर्पोरेट एक्शन देखें तो इस कंपनी ने 2022 में अपने निवेशकों को स्टॉक स्प्लिट दिया था इन द रेशियो 1:10 एंड इसने जो 2019 में अपने निवेशकों को एक बोनस भी दिया हुआ है। तो अच्छी कंपनी अपने निवेशकों को भी जो है आप मालामाल करती रहती है। तो दोस्तों, अभी इसके जो क्वार्टरली नतीजे हैं वो तो नहीं आए हैं, इसकी डेट भी नहीं आई है। जैसे ही इसके नंबर्स आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ का जो चार्ट पैटर्न है वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आज इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में कोई ग्रोथ पैटर्न देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन भी देखेंगे, सबसे पहले ले चलते हैं इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ पे। जैसे हमने जीरो ऑन जीरो बेसिस पे आपको बता ही दिया है कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरेटिवली देखो जून के मुकाबले सितंबर 23 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो रिकवरी शो कर रहा है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन जरूर है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो स्टेबल हो गया है, ना तो ज्यादा इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना ही ज्यादा कोई डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों, यदि नेटवर्थ की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स से कंपनी का नेटवर्थ देखो कहां से कहां पहुंच गया है। 19 में कंपनी का नेटवर्थ 16 करोड़ के अराउंड था, 20 में 26 करोड़ हो गया, 21 में 29 करोड़, 22 में 34 करोड़, 23 में 40 करोड़। तो आप देख सकते हो एक लीनियर ग्रोथ पैटर्न देखने को मिला हुआ है ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रांग हो रही है। तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन होती है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं। सिमिलरली यदि इसके लॉन्ग टर्म की बात करें फाइनेंशियल्स की, तो प्रॉफिट देखो लास्ट 3 ईयर से कहां पहुंच गया है। और देखो 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 2.71 था, 2021 में 3.53 हो गया और 22 में ये 4.66 हो गया, 23 में 7.29 हो गया। आप देख सकते हो लास्ट 3 ईयर से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, सिमिलरली रेवेन्यू बढ़ रहा है। 3 चीजें हैं दोस्तों जो जीयर ऑन जीयर बेसिस पे परफॉर्मेंस है कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 23 की, वहां पे प्रॉफिट देख लो, रेवेन्यू देख लो, जहां आप नेटवर्थ देख लो, कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लो दोस्तों, कंपनी का शेयर होल्डिंग देखें तो लेटेस्ट डाटा हमारे पास है सितंबर 23 का, यहाँ पे प्रमोटर के पास 62.65% का स्टेक है। जून के मुकाबले आप देख सकते हो प्रमोटर ने थोड़ा माल सेल जरूर किया हुआ है।
रिटेलर का स्टेक देख लो 37.35% का निकल कर आ रहा है। कोई भी FIIs DIIs अभी इस स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो कंपनी है डिफरेंट टाइप के ऑयल एंड केमिकल्स की ट्रेडिंग करती है। ये हमारी देश की नहीं वर्ल्ड लेवल की कंपनी है। ये कंपनी डिफरेंट टाइप के ऑयल प्रोडक्ट्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है एंड इसको इम्पोर्ट करती है और साथ के साथ एक्सपोर्ट भी करती है, जैसे कि लुब्रिकेंट्स है। मेनली इस कंपनी का लुब्रिकेंट्स का काम है, मेनली ऑटोमेटिव सेक्टर में और इंडस्ट्री सेक्टर में कंपनी के लुब्रिकेंट्स यूज हो जाते हैं। डिफरेंट जो एप्लीकेशन है इसकी, डिफरेंट जो कह सकते हो कि इसके इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री हो गई लुब्रिकेशन के लिए, मेटल इंडस्ट्री होगी दोस्तों, देन रेफ्रिजरेशन है, इलेक्ट्रिकल है, पेंट है, इंक इंडस्ट्री। तो आप देख सकते हो डिफरेंट इंडस्ट्री में इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वे यूज होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों अच्छी कंपनी है। हाँ शॉर्ट टर्म में थोड़े इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन दोस्तों यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा मल्टीप्लाई करना चाहते हो, कंपाउंड करना चाहते हो, 5 times, 6 times, even 10 times या 14 times तक ग्रोथ चाहते हो, तो आप इस स्टॉक पे फोकस कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, वैल्यूएशन भी आप देखो तो सही हो चुकी है। अब इसकी वैल्यूएशन का डाटा जरूर हम आपके साथ शेयर कर देते हैं एंड वी विल बी गोइंग टू द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे देखो कंपनी का मार्केट कैप जो है 240 करोड़ के राउंड है, पीई मल्टीपल्स 41 की है और इंडस्ट्री की पीई रेशियो 65 की है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लो है 0.34 का है, आरओई परसेंटेज बहुत ही बढ़िया है 16% से ऊपर है। आप देख सकते हो फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग एंड वैल्यूएशन आर लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव। तो इसलिए दोस्तों आप इस स्टॉक पे फोकस कर सकते हो, वैल्यूएशन सही है, क्योंकि यदि दिसंबर क्वार्टर के नंबर सही आ गए फिर ये स्टॉक बहुत ही तेजी से भागता दिखाई दे सकता है। तो उससे पहले पहले आप इस स्टॉक को एवरेज कर सकते हो।